हेलो, इस वीडियो में हम समझेंगे कि माइक्रो क्या होता है। तो माइक्रो एक प्रकार का रिकॉर्डिंग टूल है। माइक्रो के द्वारा हम अपने काम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एमएस वर्ड में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको हमें बार बार करना पड़ता है, तो ये काम हमें बार बार करना ना पड़े इसके लिए हम माइक्रो का यूज़ करते हैं। माइक्रो में हम साउंड, माउस पॉइंटर या फोटो इत्यादि को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये केवल कीबोर्ड की सहायता से किए गए कामों को ही रिकॉर्ड करता है। तो अब हम यहाँ पे माइक्रो को करेंगे। तो माइक्रो को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे व्यू टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। व्यू टैब पे क्लिक करने पर हमें माइक्रोस ग्रुप यहाँ पे दिखाई देगा। माइक्रोस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा व्यू माइक्रोस, सेकंड है हमारा रिकॉर्ड माइक्रोस। तो हम सेकंड ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रोस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्ड माइक्रोस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम माइक्रोस नेम यहाँ पे लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोस वन यहाँ पे आ जाता है। अगर हमने यही नेम रखना है तो हम इसी को रहने देंगे। अगर हमें और नेम यहाँ पे लिखना है तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे माइक्रोस वन इसी नेम को यहाँ पे रहने दिया। ये नेम रखने के बाद हम यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू शॉर्टकट कीज यहाँ पे माइक्रोस न्यू शॉर्टकट कीज यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने इस माइक्रो वन के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की बना दी, जैसे कंट्रोल एल्ट ए, ये हमने यहाँ पे शॉर्टकट कीज इस माइक्रो के लिए बना दी। ये बनाने के बाद हम यहाँ पे असाइन पे क्लिक करेंगे। असाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद ये पॉइंटर में हमें ये केसेट का सिंबल आ जाएगा। ये सिंबल ये बताता है कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम जो भी लिखेंगे उसकी रिकॉर्डिंग होती जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा, बायस ज्ञान टेक, ये हमने लिखा। इसके बाद एमएस वर्ड ये लिखा। इसके बाद एमएस एक्सेल ये लिखा। इसके बाद एमएस पावर पॉइंट ये लिखा। लिखने के बाद ये हमने यहाँ पे जो भी लिखा इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो गई है। तो ये लिखने के बाद अगर हम रिकॉर्डिंग बंद करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रोस पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा पॉइंटर है इसका जो सिंबल है केसेट का वो यहाँ से चला जाएगा। इट मीन्स ये रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बंद हो चुकी है। तो अब ये हमारा पूरा रिकॉर्ड होके आ गया। ये अब हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे आई कि नहीं आई। तो ये रिकॉर्डिंग जो है इसको चेक करने के लिए हम माइक्रोस पे जाएंगे, व्यू माइक्रो पे जाएंगे। व्यू माइक्रो पे जाने के बाद माइक्रो वन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको रन कर देंगे। रन करने पे ये जो रिकॉर्डिंग हमने की थी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम माइक्रो रन कर सकते हैं। रन करने पे जो भी हमने लिखा हुआ है
ये हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर यही काम हमें माइक्रो की शॉर्टकट कीज जो हमने यहाँ पे बनाई थी उससे करना है, तो उससे भी हम यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है ये शॉर्टकट की के ज़रिए भी यहाँ पे बन के आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे माइक्रोज में शॉर्टकट कीज बनाई थी कंट्रोल एल्ट ए, ये देखो ये प्रेस करते ही हमारे पास यहाँ पे जो वर्डिंग ये हमने माइक्रोज बनाया था ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी हम ये कंट्रोल एल्ट ए दबाएंगे तो ये हमारे पास जो हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया था ये हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं। ये डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 101, 102, 103, 104, 105। सपोज करो यहाँ पे हमने ये नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद इनका साइज़ यहाँ पे बढ़ाते हैं, ये साइज़ इनका बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इनको सेंटर में ये कर देते हैं। ये करने के बाद ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे ये ब्रैकेट लगाई एंड की प्रेस की, इसके बाद इसको बंद किया ब्रैकेट से। तो अगर हम ये लिखना चाहते हैं सभी इसमें हमारे जो नंबर है ये, तो इसके लिए हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो माइक्रो इसके लिए कैसे रिकॉर्ड करना है, पहले हम ये ब्रैकेट यहाँ से डिलीट करते हैं। ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे डिलीट की। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, माइक्रोस पे जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रोस यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे माइक्रो नेम अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने माइक्रो नेम कुछ भी लिखा, जैसे नंबर, ये माइक्रो नेम यहाँ पे दे दिया। देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कीबोर्ड में इसकी एक शॉर्टकट की बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट की बना दी, इसके लिए एल्ट कंट्रोल डी, ये हमारी शॉर्टकट की है। ये की बनाने के बाद हम क्या करेंगे, असाइन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से चला जाएगा। जाने के बाद ये पॉइंटर पे हमारा ये कैसेट का सिंबल आ जाएगा। इट मींस ये रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, ये कर्सर यहाँ पे है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, एंड की प्रेस करेंगे, इसके बाद इसको ब्रैकेट बंद करिए। ये ब्रैकेट हमने लगा दी। ये लगाने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये माइक्रो के ज़रिए यहाँ पे ये ब्रैकेट लग जाए। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइक्रो पे जाएंगे। माइक्रो पे जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे, ये देखो पॉइंटर है हमारा, यहाँ से कैसेट का सिंबल चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो चुकी है। अब हमने इन नंबर्स को ब्रैकेट अप्लाई करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे 102 के ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट में कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने शॉर्टकट की बनाई हुई है एल्ट कंट्रोल और हमने डी बनाया हुआ है, ये देखो एल्ट कंट्रोल डी प्रेस करते ही हमारी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए भी अगर हमने अप्लाई करना है तो हमने क्या करना है, एल्ट कंट्रोल डी, ये भी इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे फिर रखा एल्ट कंट्रोल डी, ये देखो इसके लिए भी अप्लाई हो गया, अगले के लिए भी अप्लाई करना है एल्ट कंट्रोल डी। ये देखो जो हमने शॉर्टकट की माइक्रो में बनाई थी इसको अप्लाई करने पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे माइक्रो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इन नंबर्स को यहाँ से मिटाते हैं, जैसे यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद
अगर हमने माइक्रो को देखना है तो हम यहाँ पे माइक्रो पे जाएंगे, व्यू माइक्रोज पे जाएंगे। ये देखो हमारे पास दो माइक्रो बने हुए हैं, माइक्रो वन और यहाँ पे नंबर नाम का माइक्रो बना हुआ है। नंबर नाम का यहाँ पे माइक्रो बना हुआ है, तो अगर हम इस नंबर वाले माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो ब्रैकेट हमने लगाई हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर पहला माइक्रो दिखना है तो इसके लिए रन पे जाएंगे। ये देखो पहला माइक्रो यहाँ पे बनाया था, जब हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ये डिलीट डिलीट किया हमने। डिलीट करने के बाद अगर दूसरा माइक्रो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट आएगी, लेकिन जो नंबर है वो नहीं शो करेगा। ये तो नंबर और नंबर अगर हम अप्लाई करेंगे उसमें ब्रैकेट ये अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने व्यू माइक्रो पे क्लिक किया, नंबर को सिलेक्ट किया यहाँ पे और इसको रन किया, तो रन करने पे यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट आ जाएगी लेकिन नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर हम और नंबर यहाँ पे यूज़ करें तो हमें ब्रैकेट लगानी नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, हम ये बड़ा कर देते हैं इसका साइज़, ये साइज़ हमने बढ़ाया इसका। अब कोई भी नंबर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा, ये लिखने के बाद ये देखो ब्रैकेट अपने आप ही यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब एंड की प्रेस की, एंटर यहाँ पे क्लिक किया, तो एंटर प्रेस करने पे जो शॉर्टकट की यहाँ पे हमने बनाई हुई है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एल्ट कंट्रोल डी। ये देखो इसके बाद ये ब्रैकेट हमने माइक्रो में बनाई थी ये, तो इसके बाद यहाँ पे नंबर लिख दिया ये। इसके बाद फिर एंटर की प्रेस की, ये नीचे आ गए। ये आने के बाद फिर हम जो शॉर्टकट की हमने बनाई हुई है माइक्रो में ये हमने यूज़ की, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे नंबर पर आइए। तो इस प्रकार हम माइक्रो का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इन नंबर्स को फिर यहाँ से हम डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गए। होने के बाद हम क्या करेंगे, माइक्रोस पे जाएंगे, व्यू माइक्रो पे जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद माइक्रो इन पे यहाँ पे ये देखो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, जैसे ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये आ गया। ये जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये सभी टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा। ये जो माइक्रो शॉर्टकट की हमने बनाई हुई है ये सभी में अप्लाई होगी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे इसी डॉक्यूमेंट में ये जो माइक्रो हमने बनाया हुआ है, ये देखो डॉक्यूमेंट वन, इसी में अप्लाई हो, तो इसी में अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को पहले सेव करेंगे, यहाँ पे जाके सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो भी नेम यहाँ पे हम लिखेंगे सेव में, वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इस टाइम जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट वन ये नेम है, तो ये नेम जो भी नेम है वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये इसी डॉक्यूमेंट में ये जो माइक्रो हमने बनाया हुआ है इसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई होगा। तो अप्लाई होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इसको मिटाते हैं, पहले ये चली जाएगी, माइक्रो पे जाएंगे। अगर हमने माइक्रो को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, व्यू माइक्रोज पे जाएंगे। व्यू माइक्रोज पे जाने के बाद ये हमारे यहाँ पे माइक्रो जो नेम हमने दिए थे वो आ जाएंगे। जैसे हमारा ये जो फर्स्ट माइक्रो है माइक्रो वन नाम से है, और सेकंड है नंबर नाम से। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों माइक्रो यहाँ से डिलीट हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, माइक्रो वन को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट पे जाएंगे। डिलीट पे जाने के बाद ये पूछेगा कि डू यू वांट टू डिलीट माइक्रो वन, यस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये माइक्रो वन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सेकंड भी अगर हमने डिलीट करना है तो नंबर, ये सेकंड माइक्रो नेम हमने दिया था, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे। डिलीट पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे तो ये
जो माइक्रो हमने यहाँ पे बनाए थे वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया। तो इस वीडियो में हमने माइक्रो के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।